Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My dear students, hope you will be good. Today I am going to discuss with you a topic of respiratory system. And in the respiratory system, today I am going to discuss the interior of the lungs. Actually, the lungs are composed of bronchi and smaller air passages, alveoli, connective tissue, blood vessels, lymph vessels and nerves. Remember this thing. जो हमारे lungs होते हैं अंदर से वो बने हुए होते हैं, bronchi उनमें मौजूद होता है, smaller air passages होती हैं, alveoli होता है, connective tissue होता है, blood vessels होते हैं, lymph vessels होते हैं और nerves होते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा bronchi होगा या bronchioles होंगे, ठीक है? They are formed, ये तब बन जाते हैं when the trachea, जो हमारा trachea होता है, actually here I have drawn a diagram, by this you can easily understand, this is here trachea, what is it? It is trachea, and this trachea is composed of cartilages, you know it very well. There are six types of cartilages which are present in this trachea. I have discussed it already. Okay, these are formed when the trachea divides. जब हमारा ये trachea ये divide हो जाता है, that means here division is known as carina. Carina is a point where there occurs the division. Division of what? It goes divides into the two bronchus. That means the bronchi is the singular, bronchus is the plural. It gets further divided into two bronchus. That means primary bronchuses are divided into right and left. Okay? At the level of fifth thoracic vertebrae. अगर हम बात करेंगे जो पीछे से हमारा vertebral column होता है, vertebral column में cervix के बाद thoracic vertebra आता है. Thoracic vertebra में exact location जो fifth थोरेसिक वर्टिब्री होती है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डिवीजन होता है हमारा, हमारे इस ट्रेकिया के बाद इस इन ब्रोंकसिस का, ब्रोंकाई का, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है? वहां पे पॉइंट होता है एक कैरिनिया, कैरिना जो होता है ये एग्जैक्टली लोकेटेड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे, तो वहां पे इसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या हो जाता है कि प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, ठीक है? इसके बाद फर्दर डिवीजन क्या होता है, इसमें लोब्यूरल ब्रोंकस इनको कहा जाता है, जब ये फर्दर डिवाइड हो जाता है ये प्राइमरी ब्रोंकस, लोब्यूलर ब्रोंकस के बाद क्या आ जाता है कि सेगमेंटल ब्रोंकस में ये चले जाते हैं, सेगमेंट्स में ये बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। पहले मैंने कहा ट्रेकिया, ट्रेकिया में कार्टिलेजेस होती है, उधर क्या होता है एक पॉइंट होता है कैरिना, वो एग्जैक्ट लोकेटेड कहां पे होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे, ठीक है? वहां पे हमारे इन ब्रोंकसिस का डिवीजन होता है राइट और लेफ्ट में, वह उसके बाद क्या हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है ये लोब्यूलर ब्रोंकसिस में फिर डिवाइड हो जाता है, उसके बाद फर्दर डिवीजन जो होता है वो सेगमेंटल ब्रोंकसिस में हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है कि सेगमेंटल ब्रोंकस जो होता है ये फिर ब्रोंक्यूल्स में इसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आ जाते हैं, लोब्यूल्स आते हैं, लोब्यूल्स के बाद क्या आ जाता है हमारा एल्वियोलर डक्ट आता है, एल्वियोलर डक्ट के बाद जो आप ईयर सिक्स देखते हो उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, जो एक्चुअली हमारा इंटीरियर ऑफ लंग्स होता है ये बना हुआ होता है ब्रोंकस का, स्मॉल एयर पैसेजेस का, एल्वियोलाई का, कनेक्टिव टिश्यू का, ब्लड वेसल्स का, लिफ वेसल्स का, नर्व्स का। उसके बाद मैं आपको डिवीजन बता रहा हूं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्पेशली, इसमें क्या आ जाता है ट्रेकिया आ जाता है, कार्टिलेजेस होते हैं इसमें, कैरिना होता है वो पॉइंट जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है कैरिना पे ही, फिर लोब्यूलर ब्रोंकस आता है, सेगमेंटल ब्रोंकस आता है, सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स आता है, लोब्यूल्स आता है, एल्वियोलर डक्ट आता है और फाइनली क्या आता है एल्वियोलाई आता है, ठीक है? तो यहाँ पे यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रोंकियल वाल्व्स होते हैं, जो अब ये ब्रोंकियल वाल्व्स होते हैं ये किसके बने हुए हैं एग्जैक्टली, जो इसका बनावट होती है वो क्या होता है वो हमें समझना है।
जो ब्रोंकियल वॉल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं, वो जो टिश्यूज मौजूद होते हैं, सेम टिश्यूज, कहाँ पे टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो थ्री लेयर्स एक्चुअली होते हैं, आउटर, मिडल या इनर लेयर होता है किनका, जो हमारे पास ट्रेकिया होता है उसमें तीन लेयर्स होते हैं, उसमें जो अब जो इनर वाला लेयर होता है वो बना हुआ होता है सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम का. किसका बना होता है? सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम का. सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम का बना हुआ होता है ये इनर लेयर. तो इसी का बना हुआ होता है जो हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ब्रोंकियल वॉल होता है. ब्रोंकियल वॉल इज फॉर्मड और इट इज कंपोज्ड ऑफ और इट इज मेड अप ऑफ व्हिच सीलिएटेड कोलामिनियर टिश्यू. जो सीलिएटेड कोलामिनियर टिश्यू होता है जो मौजूद होता है हमारे इनर, किसमें, इनर जो हमारा लेयर होता है ट्रेकिया का, सीलिएटेड कोलामिनियर टिश्यू का बना हुआ होता है, तो वही होता है, उसी का बना हुआ होता है हमारे ब्रोंकियल वॉल्स. रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रोंकियल ब्रोंकाई होता है वो प्रोग्रेसिवली सब डिवाइड होता है. मैंने पहले ही आपको बताया ये डिवाइड सब डिवाइड हो जाता है. किस किस में हो जाता है सब डिविजन, तो वो हम डिटेल में फिर से जाएंगे. एक तो ये जाता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई पहले ब्रोंक्यूल्स में, पहले फिर से मैं एक ट्री जैसे यहां पे बनाऊंगा. पहले ब्रोंकाई होता है, ये ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, सब डिविजन होता है इसका. इसके बाद क्या होता है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होता है कि एलिव्यूरल डक्ट होता है. क्या होता है? एलिव्यूरल डक्ट. एलिव्यूरल डक्ट के बाद क्या होता है हमारे, फाइनली होते हैं छोटे छोटे एयर सिक्स, जिनको हम एलिवियोलाई भी कहते हैं. फिर से मैं बता रहा हूं, जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियल वॉल होता है, दैट इज एक्चुअली कंपोज्ड और मेड अप ऑफ टिश्यू नोन एज सीलिएटेड कोलामिनियर एपिथेलियम. ओके, जो ब्रोंकाई होता है इसका फर्दर डिवीजन ब्रोंकियोल्स में होता है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में होता है, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, इसके बाद एलिवियोल डक्ट्स और फाइनली एलिवियोलाई. ओके, इसके बाद जो वाइडर पैसेजेस होते हैं, जो इसमें बड़ी बड़ी पैसेजेस यानी बड़ी बड़ी पैसेजेस होती हैं जिनको हम वेज कहते हैं, तो उनको हम क्या टर्म देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग एयरवेज. क्या उनको कहते हैं हम? कंडक्टिंग एयरवेज. क्यों उनको हम कहते हैं कंडक्टिंग एयरवेज? जो बड़ी बड़ी पैसेजेस होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वाइडर. एक्चुअली द वाइडर, व्हाट द वाइडर passages are known as what? These are known as conducting. What? Conducting airways. Why do we call them conducting airways? Actually, their function is to bring air into the lungs. So, inki kya function hoti hai? To bring the air into the lungs. That is why we are calling them conducting airways. If sometime, Ms. or you may be asked an MCQ while you will be called why the wider passages are known as conducting airways, you can simply tell them reason that to bring the air into the lungs, these are called as conducting airways. हम जब भी, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब हमें कोई चीज कंडक्ट करनी होती है, कोई चीज अंदर लानी होती है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं दिस इज द कंडक्टिंग एजेंट. कंडक्टिंग एजेंट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी गेट सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई, वी गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड that person or that thing is conducting thing or conducting agent. Similarly here, the wider passages which are present in the lungs are known as conducting airways. Why they are called conducting airways? Because they bring the air into the lungs and their walls.
और उनके जो वॉल्स होते हैं, किन के वॉल्स होते हैं? ब्रोंकियल वॉल्स आर प्रेजेंट, तो उनके वॉल्स को ये क्या लाता है? एयर लाता है फ्रॉम आउटसाइड, और वो वॉल्स जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं. क्या होते हैं? दे आर टू थिक टू परमिट गैस एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज. तो यहां पे क्या हो जाता है? गैसियस एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर. होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. अस्सलामु अलैकुम. खुदा हाफिज़.